नमस्कार दर्शक बिन, मैं योगेन बरदेवा प्रैक्टिकल खबर से आज मैं आप लोग के सामने अपील लेके आया हूँ, वो है मानवता का सेवा। Who cares? उत्तर बंगाल में एक सामाजिक संस्था एनजीओ जो मानवता का सेवा 2012 से कर रहे हैं और आज भी अपना सेवा देने के लिए Who cares? ऐसा संस्था जो पश्चिम बंगाल राज्य के दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, सिलीगुड़ी, कर्सियंग विभिन्न जगह में फैला हुआ एक संस्था है। उत्तर बंगाल में Who cares? सबका दिल जीतने में माहिर, अभी तक गरीबों को सेवा करना, वृद्धाओं का सेवा करना और मानवता का परिचय देते हुए आज भी Who cares? अपना छाप छोड़ने में माहिर है। सेंटर होम जो कालिम्पोंग में और अभी एक बन रहा है लाट पंचर जो कर्सियंग सब डिवीजन का अंडर पड़ता है, वहां पर एक वृद्धा आश्रम बन रहा है, लेकिन वो वृद्धा आश्रम आर्थिक तंगी के कारण, आर्थिक अभाव के कारण अभी तक वो कंप्लीट हो नहीं पाया है। तो Who cares ने एक अच्छा सा उपाय लगा के एक अच्छा सा दर्शकों को मनोरंजन करते हुए 1 मई का दिन कालिम्पोंग टाउन हॉल में एक सांगीतिक कार्यक्रम का आयोजन किया है। उत्तर बंगाल वासियों के लिए ये अपने आप में खुशी की बात है कि इंडिया का रियलिटी शो सारेगामा लिटिल चैंप और सुपरस्टार सिंगर में भाग लेने वाली देहरादून का बच्ची सकीना मुखिया आज उत्तर बंगाल कालिम्पोंग टाउन हॉल में 1 मई का दिन अपना सांगीतिक प्रदर्शन कर रही है। वो सांगीतिक प्रदर्शन करने का एक ही मकसद है कि जो वृद्धा आश्रम बन रहा है उसमें आर्थिक सहायता हो। क्या ये नहीं लगता कि हम लोग भी उसमें सहायता करें और मानवता का परिचय दें? आए हम सभी मानवता का परिचय दें और लाट पंचर में जो वृद्धा आश्रम बन रहा है उसमें आप चाहे तो सहायता कर सकते हैं और मानवता का परिचय भी दे सकते हैं। आप सभी को मैं अरुणा छेत्री, कोऑर्डिनेटर फ्रॉम Who cares फ्रॉम सिलीगुड़ी ब्रांच, और मैं आप सभी लोगों को एक अपील करने के लिए यहाँ आज आई हूँ कि हमारा Who cares, आप सभी को पता ही होगा कि Who cares क्या क्या काम करते हैं, क्या करते हैं, कहाँ कहाँ अपना सेवा पहुँचाते। इसी संदर्भ में Who cares वैसे तो एक ऑलरेज हम ऑलरेडी हम लोग चला रहे हैं ये कालिम्पोंग में, लेकिन अभी और बड़ा एक वृद्धाश्रम बन रहा है वो लाट पंचर, शायद आप लोग ने सुने होंगे, लाट पंचर 6 माइल में बन, 6 माइल्स वहाँ बन रहे, तो वहाँ पर थोड़ा काम रुका हुआ है, तो उसी के फिनिशिंग के लिए हम लोग एक प्रोग्राम कर रहे हैं फंड राइज के लिए। तो उस प्रोग्राम में हम लोग ये सकीना मुखिया जो देहरादून से बिलोंग करते हैं और वो बहुत अच्छे सिंगर भी हैं, वो छोटी सी लड़की वॉइस ऑफ किड्स में भी आई थी, उसके बाद में सुपरस्टार सिंगर उसमें भी पार्टिसिपेट कर चुकी है और अभी दर्शकों को बेहद पसंद भी है। तो उनको हम लोग ने इनवाइट करके टाउन हॉल में 1 तारीख मई के दिन में, मई डे पड़ता है उस दिन उनको वहाँ पर वो परफॉर्म करेगी। इसी संदर्भ में जब हमारा ये ओल्ड एज होम बन रहा है कल्याण पंचर में, इसके लिए आप सभी लोग का योगदान की जरूरत है। आप सभी लोग से अपील कर रहे हैं, आप लोग से विनती कर रहे हैं कि आप लोग आगे बढ़ के आप लोग स्पॉन्सर कर सकते हैं इसके लिए, क्योंकि हमें मालूम है आप लोग बहुत भले मानस से आप लोग जानते हैं कि कहाँ किसको देना है, कहाँ किसको मदद करना है, वो हम जानते आप जानते, तो इसीलिए हम सभी आप महानुभावों को हम एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एक विनती कर रहे हैं कि आप लोग आगे बढ़ के आप लोग डोनेशन कर सकते हैं। उसके लिए क्यूआर कोड में जो टिकट रखा है, टिकट के ऊपर में क्यूआर कोड है, क्यूआर कोड को जैसे क्लिक करेंगे और आप स्कैन करेंगे आपका पैसा हेड ऑफिस में आपका नाम से रजिस्टर्ड हो जाएगा। उसके बाद में ऊपर में हम लोग का जो फाउंडर अरुण रंजन सर है उनका नंबर है, उनसे आप डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं, उनसे कुछ अगर जो आपको समझ में नहीं आया तो आप उनसे बात करके क्लेरिफाई कर सकते हैं। और उसके बाद में अगर आपको मतलब जैसे ये प्रोग्राम के लिए बहुत सारा
खर्चा हमें चाहिए अभी, और जो ओल्ड एज होम बन रहे हैं उसके लिए भी, तो आप अगर उसमें फाइनेंशियली मदद कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है। अगर फाइनेंशियली ना होकर आप कुछ भी मदद कर सकते, जैसे स्टेज का भार आप ले सकते हैं, लाइटनिंग का भार ले सकते हैं, उसके बाद में जैसे अभी हमको ये आर्टिस्ट को रखने के लिए होटल चाहिए, होटल के खर्चा अलग से होता है, उनको ट्रैवलिंग फेयर अलग से होता है, उसके बाद में जैसे जो अभी जो हमारा मेन मकसद है ओल्ड एज होम, तो ओल्ड एज होम के लिए भी आप लोग कुछ ना कुछ कर सकते हैं। जैसे वहाँ पर भी अभी लाइटनिंग का होगा, दरवाजे वगैरह क्या क्या चीज़ है, पेंटिंग वगैरह है, इन सब में से आप कुछ भी भार लेकर हमारे ये मकसद को, एक महान मकसद को आप लोग इसमें भी भाग लेकर इसमें योगदान पहुँचा सकते हैं। धन्यवाद। नमस्ते तपाईँहरू सबैजनालाई, म एरोन युन्जन हु केयर्सबाट, विशेष गरी यो तपाईँहरूलाई जो जतिले यो च्यानल हेरिराख्नु भएको छ तपाईँहरूलाई हामी जानकारी गराउन चाहन्छौँ हु केयर्सबाट कि मे डेमा, फर्स्ट अफ मेमा हु केयर्सले कालिम्पोङको टाउन हलमा एउटा भव्य कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ, सेकाइना लाइभ भनेर हामीले भनिराखेका छौँ। म हजुरहरू जम्मैजनालाई जसले पनि प्र्याक्टिकल खबर हेरिराख्नु भएको छ, म तपाईँहरूलाई एकदमै सम्पूर्ण केसको तपाईँबाट रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, विन्ती गर्न चाहन्छु कि तपाईँले कसरी हुन्छ आफ्नो तर्फबाट यदि सहयोग गर्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ, तपाईँ त्यो कम्फर्टेबलभित्र हुनुहुन्छ भने हामीलाई सहयोग गरिदिनु होला, विन्ती गर्न चाहन्छु हामी टिमको तर्फबाट, जे जस्तो प्रकारले हुन्छ होइन, कसरी हुन्छ अल्टिमेटली गएर यो होमलाई नै यसको जम्मै जति पनि सङ्कलन हुन्छ त्यो हामी खर्च लिनेछौँ, र त्यो जुन रोकिएको छ त्यसलाई कन्टिन्यू गर्नेछौँ भनेर चाहन्छौँ। र यस कारणले गर्दाखेरि पनि म फेरि एकचोटि तपाईँहरू जो जति यो च्यानल हेरिराख्नु भएको छ केयर्सको पक्षबाट सबैजनामा विन्ती गर्न चाहन्छु, तपाईँहरूले यथाशक्ति जति जो जस्तो प्रकारको छ, तपाईँको कम्फर्टेबल जस्तो छ, त्यो अनुसार हामीलाई सपोर्ट गरिदिनु भयो भने हाम्रो लागि चाहिँ निकै ठुलो, एकदमै ठुलो सहयोग हुने थियो भनेर हामी भन्न चाहन्छौँ।